आज के वीडियो में एक एक्ने ट्रीटमेंट में यूज़ की जाने वाली मेडिकेटेड क्रीम जेल के बारे में आपको बताने वाली हूँ। ऑलरेडी मैं वैसे बहुत सारे एक्ने ट्रीटमेंट के लिए वीडियोस करती रहती हूँ, बनाती रहती हूँ, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हो और प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो, वहाँ बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिल सकती है। आज के वीडियो में मैं ये क्लिंडामाइसिन फॉस्फेट जेल के बारे में बताने वाली हूँ। तो ये क्लिंडामाइसिन मेरे स्किन पे बहुत अच्छे से काम करता है। मैं हमेशा क्लिंडेक ए जेल यूज़ करती हूँ और वो मुझे नहीं मिली तो मुझे एरिटॉप नाम की जेल मिला, तो जिसको आजकल मैं यूज़ कर रही हूँ। तो इसके ही बारे में बताने वाली हूँ कि अगर आपको क्लिंडेक ए या और सारे ऑप्शन नहीं मिलते हैं तो क्या आपको ये एरिटॉप जेल यूज़ करना चाहिए या नहीं, तो आज इसी के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। ये जो एरिटॉप जेल है इसमें 1% क्लिंडामाइसिन यूज़ किया गया है। क्लिंडामाइसिन एक एंटीबायोटिक है जो कि स्किन पे जो भी बैक्टीरियाज होते हैं, जिससे कि पिंपल होते हैं, एक्ने होते हैं, उनको किल करने का काम करता है। जो अनक्लॉग पोर्स हैं उनकी प्रॉब्लम को ये दूर करता है। ऑयल की प्रोडक्शन को कम करता है जिससे कि स्किन आपकी एक्ने फ्री पिंपल फ्री बनती है। तो ये सारे काम क्लिंडामाइसिन करता है। इसमें क्लिंडामाइसिन 1% यूज़ किया गया है और इसके साथ ही इसमें इसकी जो मुझे अच्छी बात नहीं लगी वो ये कि इसमें कलर यूज़ किया गया है। इसमें रेड ऑक्साइड ऑफ आयरन टाइटेनियम डाइऑक्साइड यूज़ किया गया है कलर के लिए, तो इसका लाइट पिंक का कलर है। कंसिस्टेंसी की बात करूँ तो ये जेल फॉर्म में है पर जब आप अपने स्किन पे लगाओगे तो क्रीमी थोड़ा मुझे इसका टेक्सचर लगता है और फ्रेग्रेंस भी इसमें है। तो जो मैं क्लिंडेक ए यूज़ करती हूँ उसमें कोई फ्रेग्रेंस नहीं है, उसमें कोई भी कलर नहीं है। तो अगर आप कलर से फ्रेग्रेंस से प्रॉब्लम है तो आपके लिए ऑप्शन बिल्कुल अच्छा नहीं है, क्योंकि इसमें कलर भी है, फ्रेग्रेंस भी माइल्ड नहीं है, थोड़ी सी तेज है। तो बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी सेंसिटिव स्किन होती है स्पेशली, उनको कलर वाले या फ्रेग्रेंस वाली चीज़ें सूट नहीं करती हैं, तब आप उसको नहीं लगाएं। बाकी आपकी ऑयली स्किन है, ड्राई स्किन है, कॉम्बिनेशन है, कोई भी स्किन टाइप है, कलर से फ्रेग्रेंस से प्रॉब्लम नहीं है तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। क्योंकि मेरी जो स्किन है मैं उस पर कुछ भी लगा लेती हूँ ना, मुझे कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते, मेरी स्किन ऐसी है तो मुझे इसके कलर से फ्रेग्रेंस से कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। और मेरी स्किन पे जैसे कि नॉर्मल मैं क्लिंडेक ए लगाती हूँ वो काम करता है, वैसे ही कुछ इसने भी काम किया। तो अब बात करते हैं इसको यूज़ कैसे करना है। आप अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लीजिए। फेस वॉश आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, स्पेशली इसमें टी ट्री ऑयल हो, ग्रीन टी यूज़ किया गया हो, ऐसे जो फेस वॉशेज होते हैं ना वो एक्ने प्रोन स्किन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो मैं हमेशा हिमालया का फेस वॉश यूज़ करती हूँ, नीम फेस वॉश जो आता है वही यूज़ करती हूँ। ड्राई हो जाए आपका फेस तब आप इसको लगा लीजिए। जैसे मैंने आपको बताया कि इसका ना टेक्स्चर क्रीमी लगता है मुझे, तो जो क्रीमी टेक्स्चर होता है ना बहुत जल्दी डर्ट को अट्रैक्ट करता है। तो अगर आप इसको दिन में लगाते हो डर्ट वगैरह चिपक जाएगी तो आपको इसके साइड इफ़ेक्ट्स होंगे। तो मैं कहूँ कि अगर आपको बाहर बहुत ज़्यादा बाहर रहना पड़ता है तब आप इसको दिन में ना लगाएं, सिर्फ रात को ही लगाएं। और आप घर पर रहते हैं तो इसको दिन में भी लगा सकते हो, रात में भी लगा सकते हो। इसको लगाने के बाद या कोई भी एक्ने ट्रीटमेंट आप यूज़ करते हो उसके बाद सनस्क्रीन तो लगाना ही लगाना है। तो दिन में लगाते हो तो सनस्क्रीन लगाओ, बाहर मत निकलो। रात को लगाते हो तो आप इसकी एक पतली सी लेयर अपने पूरे फेस पर लगा लीजिए, ओवरनाइट लगे रहने दो। बहुत लोग पूछते हैं कि 1-2 घंटे तक लगा के रखूँ फिर फेस वॉश कर लूँ क्या, या 1-2 घंटे में कोई भी जो भी आप एक्ने ट्रीटमेंट के लिए चीज़ें यूज़ कर रहे हो वो असर नहीं करेंगी। उसको आप ओवरनाइट लगा के रखो तब आपको असर दिखाई देगा। इसको लगाने के बाद कितने दिन में आपको डिफरेंस नज़र आएंगे, तो अगर क्लिंडामाइसिन आपको सूट करता है तो आपको 1 वीक में थोड़े डिफरेंसेस नज़र आएंगे। जैसे ये ड्राइनेस होने लगेगी, पिंपल का साइज़ कम होने लगेगा, तो वो आपको 1 वीक में ही डिफरेंस नज़र आएगा। जब आप इसको लंबे टाइम तक यूज़ करोगे, मतलब कम से कम 1 मंथ तक यूज़ करोगे, मतलब पूरा पैक यूज़ कर लोगे, तब आपको इसके काफ़ी हद तक रिजल्ट्स मिल जाएंगे। एक बात और, बहुत सारे लोगों को जब वो एक्ने ट्रीटमेंट के लिए कोई भी क्रीम जेल्स यूज़ करते हैं तो स्टार्टिंग में उनके पिंपल्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो इसको लगाने से भी ऐसा हो सकता है। मेरे साथ नहीं होता है पर बहुत लोगों को ऐसा होता है। तो अगर पिंपल बढ़ जाएँ 2-3 दिन तो आप लोग डरना मत, ऐसा होता है। ज़्यादातर चीज़ें जब हम यूज़ करते हैं उनको लगाने के बाद ऐसा होता ही है। तो इसको थोड़े लंबे टाइम तक लगा के देखो, फिर आपको
जो रियल रिजल्ट्स हैं वो दिखाई देंगे। इस जेल को बॉयज़ गर्ल्स दोनों यूज़ कर सकते हैं, 15 प्लस हो आप बिल्कुल आप इसको यूज़ कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और बिल्कुल इसको यूज़ कर सकते हो। और क्लिंडामाइसिन यूज़ करना चाहते हो तो इसको यूज़ करो, बस कलर फ्रेग्रेंस तेज है तो उन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है जिनको उससे प्रॉब्लम है, अदरवाइज़ काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। कुछ ही दिन में आपके जो पिंपल की साइज़ है वो रिड्यूस नज़र होती दिखाई देगी और जो पिंपल आपका 10-15 दिन में ठीक होता है वो आपका थोड़ा जल्दी से हील होने लगेगा। एक बात और, क्लिंडामाइसिन सिर्फ और सिर्फ एक्ने पिंपल की साइज़ को कम करता है, उसको ख़त्म करता है, उसकी लाइफ को कम करता है, पिंपल की लाइफ को कम करता है। ज़्यादा होगा तो ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स नहीं होंगे आपके स्किन पर, इसके अलावा क्लिंडामाइसिन कोई भी काम नहीं करता है। आपके स्कार्स पर पिगमेंटेशन कलर को गोरा करना ऐसे काम क्लिंडामाइसिन जेल नहीं करती है, तो ये एरिटॉप जेल भी ये सारे काम नहीं करेगा, ये सिर्फ आपके पिंपल को एक्ने की प्रॉब्लम को दूर करेगा। आप इस जेल को लगाओगे तो आपके पिंपल का साइज़ कम होता नज़र आएगा, आपको थोड़ी सी ड्राइनेस होती नज़र आएगी और धीरे धीरे पूरा जो भी पिंपल है वो लेयर वन के निकल जाएगा, दाग नहीं छोड़ते हैं। अगर आप इसको यूज़ करोगे तो आपको बिल्कुल भी दाग नहीं पड़ेंगे, पर कुछ लोगों की स्किन पर हल्के हल्के दाग भी रह जाते हैं, तो फिर आप पहले अपने पिंपल को ठीक कर लो, इसके बाद आप स्कार्स के लिए कोई भी क्रीम यूज़ कर सकते हो, पर यह सिर्फ आपके पिंपल को ही ठीक करेगा, स्कार्स पर कुछ भी काम नहीं करता है। इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात करूँ तो ज़्यादातर चीज़ें जो एक्ने ट्रीटमेंट में यूज़ की जाती हैं उनसे ड्राइनेस हो जाती है, पर थोड़ी बहुत ड्राइनेस है तो ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा ड्राइनेस है तो आप इसको एक एक दिन के गैप में लगाना शुरू कर दीजिए, और बहुत ज़्यादा ड्राइनेस आती है तो आप इसके साथ मॉइस्चराइज़र भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरा साइड इफ़ेक्ट है वो है रेडनेस होना, ईचिंग होना, और आपको रेडनेस हो रही है, बर्निंग हो रही है, ईचिंग हो रही है, इसका मतलब ये है कि ये आपको सूट नहीं कर रहा है और आपको इसको कंटिन्यू नहीं करना है। इसको आइज़ के आसपास अप्लाई नहीं करना है, नोज़ के कॉर्नर पर, नोज़ एरिया पर अप्लाई मत करो, ये चिन एरिया पर अप्लाई मत करो, क्योंकि यहाँ की जो स्किन होती है बहुत ज़्यादा पतली होती है, तो वहाँ पर आप इसको अप्लाई ना करें, बाकी आप पूरे फेस पे इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं इसको कुछ दिनों से यूज़ कर रही हूँ तो मेरे स्किन पर उसने अच्छे से काम किया, जो मुझे थोड़े बहुत पिंपल थे उस पे इसने अच्छे से काम किया, वो ड्राई होने लगे, वो कम होने लगे। हाँ, स्कार्स हैं अभी भी मुझे, क्योंकि स्कार्स को ठीक भी नहीं करता तो मुझे विंटर्स में ना पिंपल हो जाते हैं, तो मैंने इसको यूज़ करना शुरू किया तो इसने मेरे पिंपल कम किए। स्कार्स हैं उसके लिए मैं, आप पहले पिंपल ठीक हो जाए फिर मैं उस पर काम करूँगी, और तो ये पिंपल की प्रॉब्लम को अच्छे से दूर करता है, एक्ने को, ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स की प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से दूर करेगा। तो बिल्कुल आप भी अगर ये सारी प्रॉब्लम से परेशान हैं तो इसको यूज़ कर सकते हैं। मैं कहूँगी कि ऑनलाइन परचेस ना करो, किसी भी मेडिकल पे जाके, मेडिकल शॉप पे जाके आप इसको परचेस कर सकते हैं, इजीली अवेलेबल है, तो आप वहाँ से बिल्कुल परचेस कर लीजिए। और आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस जेल से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगी। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।